सो फाइनली वर्कआउट डन और अभी मैं जाऊंगा फ्रेशअप होने के लिए, मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तो मैं ऊपर आ गया हूँ टेरेस के ऊपर, तो चलिए आराम से बात करते हैं। तो यू नो गाइस, आजकल वेदर कितना सुहाना होने लगा है। इट्स अ मॉनसून सीजन, सो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आजकल। तो आफ्टर मेनी डेज मैंने योगा और कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। वैसे मैं देखने में फिट हूँ लेकिन अंदर से नहीं हूँ। वेट ज़्यादा गेन होने लगा है, सो आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी। सम ऑफ माई सब्सक्राइबर दे आस्क मी अबाउट माई शू रैक कि ये शू रैक कब ख़त्म होगा। तो वैसे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, बना रहे कारपेंटर्स लोग आज आए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा आज कंप्लीट होने वाला है मेरा शू रैक। तो मैं आज दिखाऊंगा कि मेरा शू रैक कैसा बनता है। तो यही बंदा है जिन्होंने मेरा शू रैक बनाया है। नाम क्या है बताओ? मेरा नाम तजम्मिल अली। तो गाइस, अगर आपको कुछ फर्नीचर या फिर कुछ कारपेंट्री का कुछ ऐसा वर्क है तो प्लीज़ इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं ना? 7984499547। प्लाईवुड का जो चीज बनाना है आपका, प्लाईवुड का हो जाएगा, लेकिन एक आपका फर्नीचर है ना, वो भी हो सकता है। ये देखो बना रहे ना हम अभी, देखा दो। तो इनके साथ ये भी है रुबल भाई, और ये देखो ये टेबल बन रहा है। ये काट का है, सेगुन काट का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सब भी बनाते हैं शूरे के अलावा, फर्नीचर, बैट, चेयर्स, टेबल। टायर है ये, अंदर घुस जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर बोल रहे हो 7984499547, किसी को बनाना जरूरत नंबर में कॉल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कुछ ऐसा वुडन फर्नीचर या फिर कुछ ऐसा कारपेंट्री का कुछ काम चाहिए तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जामिल मैं नंबर दे दूंगा। सो गाइस, आफ्टर 3 डेज द फाइनल वर्क इज डन। मेरा शू रैक जो है वो बन चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा शू रैक। सो फाइनली दिस इज माई शू रैक। चलो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है मेरा शूज़, और देखो कुछ स्लीपर्स वगैरह, सैंडल्स वगैरह, शूज़ वगैरह मैंने रखा है, ट्रैकिंग शूज़ वगैरह। तो ये साफ़ रहेगा, यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह नहीं पड़ेगा यहाँ पे। जो शूज़ मैं डेली नहीं पहनता हूँ तो यहाँ पे मैं रखूँगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऊपर क्या है। एक्चुअली ये मैग्नेट है तो इसको थोड़ा सा ये फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे डाल के रखा है, कुछ बॉटल्स वगैरह, स्प्रे, उसके बाद ये है कॉलिन और कुछ खाने का चीज़। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये है मेरा शू रैक। तो गाइस, ये जो शू रैक है मैंने इसको कॉर्नर पे लगा दिया है ताकि ये क्लीन रहे, साफ रहे
और हिडन भी रही है ताकि ज़्यादा रूम भी स्पेशियस होगा मेरा। सो ये जो शू रैक है मैंने क्यों इसको कॉर्नर पे लगा के रखा, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये ऐसे देखो ये हिडन हो जाएगा, तो काफ़ी मतलब स्पेशियस और साफ भी लग रहा है। देखो क्वाइट सेटिस्फाइड विद द शू रैक, लेकिन यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन या फिर कुछ ऐसे फ्लावर्स यहाँ पे रख दूँ ताकि ये और भी अच्छा देखने लगे और फ्रेश भी लगे। देखो जो गाइस कमेंट में बताइए कि मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए। वैसे तो ये ठीक ही लग रहा है, लेकिन आप सजेस्ट कीजिए मुझे यहाँ पे इंडोर प्लांट रखना चाहिए या फिर और कुछ रखना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। तो गाइस ये था मेरा शू रैक का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।